सरदार पटेल और सिनेमा के बीच में कुछ कनेक्शन है, सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। जब गांधी जी के विरोध में जाकर सरदार पटेल बॉलीवुड के कलाकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और विदेशी कंपनियों को चेतावनी तक दे डाली। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। साल 1945, जब एक तरफ देश में आजादी की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कई डायरेक्टर भारतीय सिनेमा को मजबूती देने में लगे थे। बाल गंगाधर तिलक फिल्मों के भारी समर्थक थे, अपनी किताबों में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। जवाहरलाल नेहरू भी फिल्मों के शौकीन थे, लेकिन गांधी जी फिल्मों को पसंद नहीं करते थे। वे फिल्म को समाज के लिए बुरा मानते थे। गांधी की सोच के चलते कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता फिल्म जगत से कोई वास्ता नहीं रखता था। लेकिन इसी बीच एक बेहद दिलचस्प घटना घटी। उन दिनों डायरेक्टर और एक्टर रहे किशोर साहू ने फिल्म वीर कुणाल बनाकर पूरी कर ली थी। वे चाहते थे कि फिल्म के प्रीमियर में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आए, मुश्किल बड़ी थी। लेकिन उन्होंने ठाना कि कांग्रेस के नेताओं और फिल्मों के बीच की खाई को अब खत्म करना है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मन करता है कि कांग्रेस और कला के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करूं, फिल्मों के प्रति कांग्रेसी नेताओं के मन की झिझक को निकाल दूं। ये काम शेर की गुफा में जाकर शेर को नत्थी करने जैसा था, पर मैंने कमर कस ली। उन दिनों कांग्रेस में कई शेर थे, लेकिन बब्बर शेर एक ही था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने तवज्जो इन पर दी। तब क्या था, पुरुषोत्तम दास टंडन की मदद से किशोर साहू सरदार पटेल से मिलने मुंबई उनके घर पहुंच गए। अपनी मुलाकात में किशोर साहू ने सरदार पटेल से कहा कि कांग्रेस पार्टी फिल्म वालों की अवहेलना करती है। फिल्म जगत में वैसे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब विदेशी स्टूडियो भी देश में अपना कारोबार शुरू करने में लगे हैं। विदेशी कंपनियों के पास इतनी पूंजी है कि वो भारतीय फिल्मों की व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। करीब घंटे भर बाद पटेल ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। किशोर साहू ने उनसे कहा कि आप 1 दिसंबर को बॉम्बे की नोवेल्टी सिनेमा में मेरी फिल्म वीर कुणाल के प्रीमियर पर आकर फिल्म जगत को आश्वासन दें कि कांग्रेस उनके साथ है। फिर क्या था, किशोर साहू की समस्या सुन सरदार पटेल ने आने का वादा कर दिया। किशोर साहू ने फिल्म के प्रीमियर का खूब ऐड किया। लोगों में उत्साह था कि सरदार पटेल क्या बोलेंगे। 1 दिसंबर को थिएटर के बाहर सरदार पटेल को सुनने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद थी। अपने वादे के पक्के सरदार पटेल समय पर थिएटर पहुंच गए। फिल्म शुरू होने के पहले उन्होंने भाषण दिया और फिल्म जगत को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस फिल्मों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने विदेशी कंपनियों को चेताया भी, कहा कि जिस दिन विदेशी पूंजीपतियों ने हमारे देश में फिल्म स्टूडियो खोलने की कोशिश की, तो याद रखें वो विदेशी, और याद रखें ये बर्तावनी सरकार, उस दिन कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेगी। जिस तरह नमक सत्याग्रह हुआ था, उसी तरह इन विदेशी पूंजीपतियों के स्टूडियो पर सत्याग्रह होगा, और इस सत्याग्रह का नेतृत्व मैं खुद करूंगा। इसके बाद सरदार पटेल ने फिल्म भी देखी। ये पूरा किस्सा बड़ी विस्तार से किशोर साहू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेरी आत्मकथा किशोर साहू में लिखा है। सरदार पटेल की चेतावनी के बाद विदेशी कंपनियों ने स्टूडियो खोलने की योजना रोक दी। उस दौर में गांधी जी के खिलाफ जाकर अगर सरदार पटेल फिल्म कलाकारों के साथ खड़े नहीं होते, तो आज फिल्म जगत किस हालात में होता, ये कहना कठिन है। ऐसे ही और अनसुने किस्से कहानियों को जानने के लिए आप देखते रहिए मंच। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।